हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एड्रग्रो एच के बारे में, क्या इसकी डोजेट है, किन किन कारणों से हम दे सकते हैं, किन किन पशुओं में दे सकते हैं, किन बीमारियों में दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः थनेला रोग को कम करती है, थनों को विकास करती है व दुग्ध उत्पादन को बढ़ाती है। क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं? इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, बायोटिन व विटामिन सी व सेलेनियम पाया जाता है। क्या क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, थन के आकार को बढ़ाती है, थनेला रोग पर नियंत्रण करती है, त्वचा खुर एवं बॉडी कोट बनाती है, शारीरिक विकास व प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। पशु कई बार देखा है, पशु कई बार कमजोर हो जाता है तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम में आ जाती है। मुख्यतः अडर बढ़ाने के काम में ली जाती है। अडर बढ़ाने के लिए ब्याने से एक माह पूर्व 10 ml सुबह, 10 ml शाम को गाय के अंदर दे सकते हैं। थनों को बढ़ाती है, थनेला रोग से बचाती है, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पशु को चिकना बनाता है। जो पशु हीट में नहीं आता उसको हीट में लाता है, जो पशु ठहर नहीं रहा है उसे ठहराता है, रिपीट ब्रीडिंग को रोकता है। अगर पशुओं में बात करें सांड की तो शाइनिंग कोट बनाने में काम में ले जाता है। अगर घोड़ों के बाल झड़ते हों तो उसके अंदर बाल झड़ने में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। गाय भैंस के अंदर 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, बछिया के अंदर 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, भेड़ बकरी के अंदर 2 ml सुबह, 2 ml शाम को, वह चूजे के अंदर 3 ml सुबह, 3 ml शाम को। इसकी पैकिंग आती है 100 ml, 250 ml, 500 ml 1 लीटर के अंदर। केटल वेट फार्मा कंपनी का है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मुख्यतः थनों के आकार व अडर को बढ़ाने में काम में लिया जाता है। मस्टाइटिस थनेला रोग पर नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने फिर बोल रहा हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।